नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रियो आपको स्वागत करता हूं केयर ऑफ वेब के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारा वर्डप्रेस साइट को हम कैसे फास्ट लोडिंग बना सकते हैं और इसका लोडिंग जो स्पीड है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला, अच्छा होस्टिंग, हमें एक अच्छा होस्टिंग चूज़ करना है। मैंने पिछले एक वीडियो में GoDaddy का होस्टिंग और SiteGround का होस्टिंग का कंपेयर किए थे और स्पीड के हिसाब से हमने देखा कि SiteGround का होस्टिंग हमारा वर्डप्रेस साइट को बहुत क्विक लोड करते हैं और उसका जो स्कोर है उसमें भी हमने इंक्रीजमेंट देखा था। तो अच्छा होस्टिंग हमारा लोडिंग स्पीड पर असर दिखाता है, तो इसीलिए एक अच्छा होस्टिंग हमें चूज़ करना है। और दूसरा जो चीज़ है वो है थीम। दोस्तों, वर्डप्रेस का थीम डायरेक्टरी में आपको बहुत सारे फ्री थीम मिल जाएगा, लेकिन आपको चूज़ करना है एक लाइट वेट, क्लियर कोडिंग और जो थीम कम से कम रिक्वेस्ट सर्वर को भेजे ऐसा एक थीम। तो इसमें आप जिनर्ट फ्रेस या OSNWP ऐसा बहुत पॉपुलर थीम है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा एस्ट्रा थीम के लिए। मैं बहुत दिन से एस्ट्रा थीम यूज़ करता हूँ और एस्ट्रा एक लाइट वेट, क्लियर कोड और बहुत ही क्विक लोडिंग थीम है। तो आप कहीं भी आप चेक कर लीजिए, देखिए और कोई भी थीम यूज़ कीजिए जो लाइट वेट हो और जिसका जो FTP रिक्वेस्ट है, मतलब सर्वर साइड का जो रिक्वेस्ट है वो उस रिक्वेस्ट को कम करे, ऐसा थीम आप चूज़ कीजिए। तो होस्टिंग अच्छा चूज़ करना है और थीम वो लाइट वेट थीम हमको यूज़ करना है। तीसरा जो चीज़ हमें ध्यान में रखना है वो है इमेज डिज़ाइन के लिए। दोस्तों, हमको इमेज डालना पड़ता है, लेकिन हम जो इमेज यूज़ करते हैं उसका जो प्रॉपर्टी है हमें ध्यान में रखना है। उसको हम कम से कम प्रॉपर्टी वाला इमेज हम यूज़ करें, कम से कम जो उसका साइज जितना कम होगा हमारा साइट का लोडिंग स्पीड भी उतना ज़्यादा होगा। तो ये तीन बात शायद आपको भी मालूम है, लेकिन अभी हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कैसिंग प्लगइन और जो है लेजी लोड प्लगइन। तो वर्डप्रेस में हमें ये एक बेनिफिट मिलता है कि बहुत सारे काम का प्लगइन हमें मिलते हैं। अगर हम उसको प्रॉपरली कस्टमाइज़ करें तो हमारा साइट का डिज़ाइन कहिए या फिर लोडिंग स्पीड कहिए, उसमें बहुत अच्छा एक फ़र्क दिखाई देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम हमारा वेबसाइट में कैसे प्लगइन यूज़ कर सकते हैं और कौन सा क्लास प्लगइन हमारे लिए अच्छा होगा और इमेज का जो लेजी लोडिंग प्लगइन है वो हम कौन सा यूज़ करें। तो पहले हम इसका फ़र्क देखने के लिए चलिए देखते हैं ये जो साइट है services.careofweb.com, इसका पेज स्पीड क्या है और इसमें अभी कोई कैसे प्लगइन या फिर कोई लेजी लोडिंग कोई प्लगइन यहाँ पर यूज़ हमने नहीं किए हैं। तो ऐसे हालत में, ऐसे कंडीशन में इसका जो पेज स्पीड है हम इसको चेक करते हैं, पेज स्पीड इनसाइड गूगल का जो टूल्स है, और हम GT मैट्रिक्स पर भी इसको चेक करते हैं। पेज स्पीड इनसाइड का जो रिज़ल्ट आया है उसमें मोबाइल स्कोर है 49 और डेस्कटॉप का स्कोर है 77। हम इसको नोट डाउन करके रखते हैं। दोस्तों, GT मैट्रिक्स का रिज़ल्ट आ गया है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो पेज स्कोर है वो 95% और वॉइस स्लो स्पीड है 85%, फुल लोडेड जो टाइम है वो है 6.0 सेकेंड और टोटल पेज साइज जो है वो है 1.70 MB और इसमें 60 रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट हुआ है। तो हम इस रिकॉर्ड को अभी सेव करके रखते हैं और हम बाद में इसको कंपेयर करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम वो कैसे प्लगइन और लेजी लोडिंग जो प्लगइन है उसको हम इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारे स्पीड के ऊपर कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्लगइन्स पर और वहाँ पर ऐड न्यू, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे कैसे, CSEIG। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे प्लगइन सजेस्ट कर रहे हैं वर्डप्रेस, तो इसमें जो है W3 टोटल कैसे, ये भी एक बहुत अच्छा प्लगइन है लेकिन ये थोड़ा एडवांस है, और लाइट स्पीड कैसे ये भी पॉपुलर है, आप इसका इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। लेकिन हम जो कैसे प्लगइन यूज़ करेंगे वो है WP फास्टेस्ट कैसे,
इस प्लगइन बहुत यूज़र फ्रेंडली है और हमारे जो काम के लिए ये सारे फीचर यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं ये कॉम्पेटेबल है हमारा वर्डप्रेस वर्जन में और इसका जो अपडेट है वो 3 वीक पहले हुए हैं और इसका रेटिंग भी 5 स्टार है। 2779 यूज़र्स ने इसको 5 स्टार रेटिंग दिया है, मतलब ये एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है। तो हम इसको यूज़ करेंगे, तो यूज़ करना बहुत ही आसान है। पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर इसको एक्टिवेट करते हैं। अभी हमें यहाँ पर दिखाई देगा एक नया ऑप्शन, वो है WP फास्टेस्ट कैसे। अगर हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसका जो सेटिंग है वो यहाँ पर सेटिंग पेज यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कैसे सिस्टम हम इसको एनेबल कर देते हैं, फ्री लोड एनेबल कर देते हैं। यहाँ पर फ्री लोड में जो है होम पेज और जो है पेजेस ये हम रखते हैं। ये आप बाद में भी आपके हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ क्या है अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसका जो डिटेल है ये आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं डिटेल में। देखिए प्रीलोड क्या है, इसका फंक्शनलिटी क्या है। तो हमको बेसिक जो चीज़ चाहिए हम वही यहाँ पर एनेबल कर रहे हैं। और मोबाइल का कैसे वर्सन हम यहाँ पर एनेबल कर देते हैं। और यहाँ पर ये एक बहुत ज़रूरी फीचर है जो है मिनीफाई HTML और मिनीफाई CSS, कॉम्बाइन CSS, कॉम्बाइन JS। ये जो सारे ऑप्शन है ये हमारा जो कोड है इस कोड को ये मिनीफाई कर देते हैं। इसमें लोडिंग टाइम का इंक्रीज यहाँ पर होते हैं और गूगल भी सजेस्ट करते हैं कि आप मिनीफाई करें आपका जो कोड है। तो ये जो मिनीफिकेशन है ये हमने एनेबल कर दिए हैं। और यहाँ पर जो gzip है इसको भी हम कर देते हैं, ब्राउज़र कैशिंग भी एनेबल करते हैं और डिजेबल इन इमोजीज इसको भी हम सब को एनेबल यहाँ पर कर दिए हैं। अभी हम इसको सबमिट कर देंगे। तो ये सबमिट हो गया है, मतलब हमारा जो पेज है अभी वो कैसे एनेबल हो गए हैं। यहाँ पर अगर चाहे तो आप यहाँ पर कैसे जो है आपका साइट का वो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलेगा और ये आपका मेनू बार में भी आपका ये ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप कोई नया पोस्ट आप क्रिएट करते हैं या फिर कोई नया डिज़ाइन में कोई चेंजेस आते हैं या नया डिज़ाइन आप इनपुट करते हैं तो ये जो है ये डिलीट कैसे और मिनीफाइड CSS जो है इसको आप क्लिक कर दीजिए तो फिर आपका जो चेंजेस है वो आपका लाइव साइट पर अवेलेबल हो जाएगा। ये इस प्लगइन का ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है कि यहाँ पर एक शॉर्टकट ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसको डिलीट कर देते हैं आपका जो अवेलेबल कैसे हैं तो फिर आपका लाइव साइट पर वो जो चेंजेस है वो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, ये प्रीमियम वर्जन है, हमें अभी नहीं चाहिए। और यहाँ पर CDN इंटीग्रेशन है जो हमें हमारा जो क्लाउड फ्लेयर का जो अकाउंट है उसके साथ ये इंटीग्रेट करते हैं। तो ये अगर आप आपका साइट SiteGround में मतलब कनेक्टेड है तो आप इसको एनेबल कर लीजिए। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ और हमारा जो दूसरा और एक प्लगइन है हम उसको इंस्टॉल करते हैं। तो हम फिर से ऐड न्यू पर जाते हैं और यहाँ पर हम A3 लेजी लोड लिखते हैं। तो देखिए A3 लेजी लोड लिखने से पहले जो प्लगइन आता है यहाँ पर हमें इसको इंस्टॉल करना है A3 लेजी लोड। तो ये भी आप देख सकते हैं कि 1 लाख के ऊपर इसका एक्टिव इंस्टॉलेशन है और इसमें 111 जो यूज़र्स है उसने 5 स्टार रेटिंग दिया है और ये प्रॉपरली अपडेट भी है और इस जो वर्सन है वो हमारा वर्डप्रेस के साथ कॉम्पेटेबल है। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं और करने के लिए जस्ट इंस्टॉल करते हैं, फिर एक्टिवेट करते हैं और इसके सेटिंग में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर देखिए जो लेजी लोड एक्टिवेशन है वो ऑन है, मतलब हमारा साइट में जो इमेजेस अवेलेबल है उसको ये लेजी लोड लोडिंग में वो लेजीनेस ले आएगा और हमारा स्पीड को इंक्रीज़ करेगा। तो ऐसा एनेबल है, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर
सेव चेंजेस करना है, ये बेसिक ये इसका फीचर्स है जो एनेबल हो जाएगा। तो अभी हम हमारा साइट में ये दो कर लिए हैं और इसके और एक बार हम यहाँ पर जो कैसे है उसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि लेजी लोड हमने इंस्टॉल किए हैं तो कैसे और मिनिफिकेशन जो है उन्हें हमने इसको डिलीट कर दिए हैं। तो फिर एक बार हम इसको चेक करेंगे, देख पा रहे हैं पहला का जो वर्जन है वो 77 है डेस्कटॉप में और मोबाइल में जो है वो 49। तो अभी हम और एक बार इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क आया। देखिए दोस्तों, मोबाइल का स्कोर जो 49 था वो अभी 81 हो गया है और डेस्कटॉप का स्पीड जो था 77 वो 92 हो चुका है। मतलब ये दोनों प्लगइन यूज़ करके हमारा स्पीड जो है वो बहुत ही अच्छे तरह से वो उसमें इंक्रीजमेंट हम देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर जीटी मैट्रिक्स में जाएं और इसको हम फिर से टेस्ट करें तो देखिए जीटी मैट्रिक्स में क्या वो रिज़ल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो देखते हैं जीटी मैट्रिक्स पर भी दोस्तों, जीटी मैट्रिक्स का रिपोर्ट भी आ चुका है और यहाँ पर हम साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं। जो हमारा पहला रिपोर्ट था उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिए थे और वो देखिए वो था 95% पेज स्पीड स्कोर, अभी जो हुआ है वो है 96 पेज स्पीड स्कोर, 1% वहाँ पर फ़ायदा मतलब इंक्रीजमेंट हुआ है। और वॉइस लो स्पीड जो है 82 जो था हमारा 80%, और यहाँ पर देख सकते हैं फुल लोड स्पीड था 6.0 सेकेंड जो अभी हुआ है 5.7 सेकेंड, और यहाँ पर 1.70 MB था पेज साइज, जो पेज साइज भी घटकर 1.40 MB हो गया है, और टोटल रिक्वेस्ट जो है उसमें 12 रिक्वेस्ट यहाँ पर घट गए हैं, जो 48 है अभी वो था 60। दोस्तों हम ये दो प्लगइन यूज़ करके हमारा पेज स्पीड जो है वो हम आसानी से हम उसका इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्लगइन को यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और आपका रिज़ल्ट आपको डिज़ायर रिज़ल्ट मतलब नहीं आ रहा है तो आप इस ऑप्शन पर आप इसको ऑप्शन को ध्यान से देखिए और इसको इनेबल और डिसेबल करके आप ट्राई एंड एरर करके आपका स्पीड चेक करते रहिए। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और सारे जो ऑप्शन हैं उसको मैं डिटेल में वहां पर दिखाऊंगा। दोस्तों अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।